अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं चिकन स्टेक बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 5 पीसेस चिकन के लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से पश लिया है ताकि इसके अंदर तक मसाला जा सके। और मसाले में जो चीज़ें लिए हैं मैंने, रेड चिली पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही मैंने क्रश चिली लिया है, और इसके साथ मैंने 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी लिया है, 1/2 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून जो मैंने अदरक लिया है, विनीगर मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस ली है, 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस लिया है, 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, और ग्रीन चिली को मैंने बारीक पीस लिया है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। अब मैं सारे मसालों को मिक्स कर रही हूँ, विनीगर को भी, और ये सारे मसाले इसमें वन बाय वन करके डाल दूंगी। सबसे पहले मैं इस पे लेमन जो है 1/2 लेमन निचोड़ दूंगी अच्छे से, और उसके बाद जो मसाला है वो मैं इन सबको लगा लूंगी। हाथों के साथ मैं अच्छी तरह से कर लूँगी, क्योंकि जितनी अच्छी तरह आप मसाला हाथों से लगा सकते हैं वैसे ही ये मसाला मैंने तैयार कर लिया है। मसाला हमारा बहुत टेस्टी है, आप नमक हसबे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मैं उसके ऊपर मसाला लगा रही हूँ, अच्छे से मसाला लगा के, और मैं इसको 2 घंटे के लिए रख दूँगी। मसाला मैं इसके अंदर तक लगाऊंगी, दोनों साइडों पे मसाले को लगाऊंगी अच्छे से। इस तरह से मसाला लगा के मैं अब इसको 2 घंटे के लिए रख लूंगी। इंशाल्लाह 2 घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मसाला मैंने अच्छे से लगा लिया, देखिए इसके अंदर तक मसाला चला गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा जर्दा रंग डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं चिकन स्टेक की सॉस तैयार कर रही हूँ, उसके लिए मैंने चीज़ें लिए हैं। थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर लिया है, चिली फ्लेक्स लिया है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही मैंने केचप लिया है, 1/2 टीस्पून ही मैंने बारबेक्यू सॉस लिया है, और चिली सॉस 1 टीस्पून लूंगी। अब इसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। 1/2 टीस्पून मैं हैवी क्रीम डालूंगी इसमें, इन सब चीज़ों को 4 चम्मच मेयोनीज में मैं मिक्स कर दूंगी, और चिली सॉस को भी 1 टेबलस्पून लिया मैंने। इसको मैं अच्छी से मिक्स कर लूंगी, ये बड़ी अच्छी सॉस तैयार हो जाएगी। तैयार हो गई है सॉस। तैयार करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल में 1 टेबलस्पून ही लहसुन डाला है। लहसुन ब्राउन हो गया है, अब इसमें मैं केचप डाल दूंगी। अब इसमें चिकन क्यूब डाल देने हैं, आप चिकन क्यूब या यखनी डाल सकते हैं। सिरका ऐड करूंगी, सोया सॉस डालूंगी, 1 टेबलस्पून सराचा सॉस डालूंगी, 1 टीस्पून हनी डालूंगी। अब ग्रिल पैन को अच्छे से हमने ऑयल लगा लिया, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल है। अब इसमें मैं स्टेक रखने लगी हूँ और फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी। आंच पे पकाऊंगी और इसको मैं कवर कर दूंगी। मैंने इसकी साइडें तब्दील कर दी है, 1/2 ग्लास पानी का डाला है ताकि ये अच्छी तरह अंदर से पक जाए। इसको अब मैं स्टीम करूंगी। तैयार हो गए हैं, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये है चिकन स्टेक की फाइनल लुक, आप इसको ट्राई करें, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, मैंने खा के देखा है, आप भी ट्राई करें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।